हेलो गाइज, एसएससी की ओर से एक इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया है और ये जो नोटिस है वो स्किल टेस्ट फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2019 को लेकर के है। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के 2019 वाले, उनका जो स्किल टेस्ट होना था उसी को लेकर के यह इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो स्किल टेस्ट फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ सीजीएल विल बी कंडक्ट ऑन 15/9/21 और 16/9/21, यानी कि जो है स्किल टेस्ट होना है वह 15 सितंबर और 16 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में किया जाएगा, पूरे देश के अंदर में। द स्किल टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 3 मॉड्यूल, नेमली डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट DEST, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स MS पावर पॉइंट एंड स्प्रेडशीट MS एक्सेल। तो ये जो स्किल टेस्ट होगा वह 3 मॉड्यूल्स में होगा, नेमली होगा उसको डाटा एंट्री स्पीड होगा DEST, और उसके बाद होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, इसमें MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल में काम किया जाएगा। यहाँ पर इसके अलावा जो है अपडेट है उसको क्या करके समझते हैं। तो फॉर डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट ए मास्टर टेक्स्ट पेसेज ऑफ अबाउट 2000 की ड्यूरेशन विल बी गिवन, ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट विल बी 15 मिनट। तो यहाँ पर जो है टेस्ट यानी डाटा एंट्री टेस्ट के लिए जो है एक टेक्स्ट मैसेज दिया जाएगा पैसेज, वह 2021 का रहेगा और उसी का आपको लिखना है। ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट विल बी 15 मिनट या 15 मिनट का होगा, यानी कि 2000 की आपको दिया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स कैन ओनली टाइप द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन इन द मास्टर टेक्स्ट पैसेज। तो ये जो मास्टर टेक्स्ट पैसेज में दिया रहेगा उसमें जितने भी नंबर करेंगे उसी के इक्विवेलेंट आपको वहाँ पे टाइप करना है, ये आपका ध्यान रखना है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कीज फॉलोड बाय स्पेस इच टर्म एज वन वर्ड। तो यहाँ पे जो है अल्फा न्यूमेरिक की अगर आप लोग लिखते हैं और स्पेस के साथ में, तो वह एक वर्ड की तरफ से यहाँ पर काम होगा, ये भी आपको बताया गया है। इसके अलावा में है आफ्टर टाइपिंग गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर टेक्स्ट पैसेज द स्पेस बार विल नॉट अलाउ फर्दर टाइपिंग ऑफ एडिशनल वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल If there are 15 words in the master text passage, candidates can only 15 words, and after that, space bar will not allow the candidates to type any additional word. However, keyboard will allow the candidates to continue typing without using the space bar. यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट पैसेज दिया रहेगा उसमें अगर आप लोग पूरी तरीके से भर लिए हैं तो फिर आपको एडिशनल वर्ड्स के लिए भी आपको कोई चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि अगर 500 वर्ड्स का है टेक्स्ट पैसेज और आप ले यहाँ पे 500 लिख सकते हैं वर्ड्स, लेकिन उसके बाद में आपको स्पेस बार भी काम नहीं करेगा, फिर आप अलग वर्ड को नहीं जोड़ सकते हैं। इसके लिए कीबोर्ड जो है विदाउट स्पेस बार के साथ ही आगे लिखा जाएगा, यह भी यहाँ पे कहा जा रहा है। जैसे आपका पूरा हो जाता है वो पैसेज तो उसके बाद में आपको जो है स्पेस बार के रूप में वह काम नहीं करेगा, आपको वहाँ पे सटा के ही लिखना है। इस प्रकार से तो यहाँ पे कहा जा रहा है इन केस ऑफ कैंडिडेट्स टाइप एडिशनल वर्क रॉन्ग वर्ड्स देयर बाई एग्जस्टिंग द अलाउड नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर कंप्लीटिंग द मास्टर टेस्ट देन दे मे यूज एरो की स्पेस की टू करेक्ट रॉन्गली टाइप्ड वर्ड्स और रिमूव एडिशनल टाइप वर्ड बिफोर प्रोसीडिंग द कंप्लीट द मास्टर टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि अगर आपने कहीं पर गलत चीज़ें लिखी हैं या पर कोई भी चीज़ें आपको ऐड करना है तो आपको वहाँ पर जो है एरो की या फिर स्पेस की के द्वारा वहाँ पे जाना है और उसको सही करना है, या तो फिर जो गलत चीज़ें हैं उसको सुधारने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा, उसके लिए आप एरो की का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। इसके बाद में जो है उसको देखते हैं, तो कैंडिडेट्स में नोट द प्रिंट आउट ऑफ द टाइप्ड टेस्ट विल नॉट बी टेकन आफ्टर द स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट। तो यहाँ पे जो है आपने जो भी टाइप किया रहेगा उसको आप नहीं ले जा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है कैंडिडेट्स फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट DEST आर एडवाइज टू चूज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स एज देयर ऑप्शन। यहाँ पर है जो इंग्लिश टाइपिंग के लिए जो टेस्ट देना चाहते हैं वह इंग्लिश का लेंगे, लेकिन वह यूनाइटेड स्टेट्स वाला लेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है, उस चीज़ को आपको ले करके ही चलना है। उसके बाद में है ए डेमो वीडियो फॉर सेड टाइपिंग टेस्ट डेस्ट हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन द कैंडिडेट्स कॉर्नर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो है एक डेमो वीडियो दिया गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो यह आपको कैंडिडेट्स कॉर्नर जो कि है वेबसाइट मिल जाएगा, इससे आप लोग भी देख करके समझ सकते हैं, इसमें आप लोगों की फ़ायदा होगा।
इसके बाद में है यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT कॉम्प्राइज ऑफ एडिशनल टू मॉड्यूल। पहला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जनरेशन ऑफ स्लाइड्स MS पावर पॉइंट, दूसरा है स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल विल बी एडमिनिस्टर्ड ऑन MS ऑफिस प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 और एंड हायर वर्सन एंड ड्यूरेशन ऑफ इच मॉड्यूल विल बी 15 मिनट। तो यहाँ पे जो है CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसको दो तरीके से लिया जाएगा, या जो दो तरीके से दे सकते हैं आप, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जनरेशन ऑफ स्लाइड्स के रूप में MS पावर पॉइंट में, और दूसरा जो है वह स्प्रेडशीट में यानी कि MS एक्सेल में यह काम होगा। और इसमें जो है MS ऑफिस प्लेटफॉर्म जो है वह MS ऑफिस 2007 वर्जन या उससे हायर वर्जन में होगा, और ये जो जितने सारी चीज़ें होंगी उनके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में है दिस मॉड्यूल विल बी कंडक्ट वन आफ्टर द अनदर। तो ये जो चार चीज़ें वह एक के बाद होंगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ बोथ द मॉड्यूल प्रिंट आउट ऑफ द कैंडिडेट्स वर्क विल बी टेकन। ये दोनों चीज़ें हो जाने के बाद में आपका जो प्रिंट आउट है वह कैंडिडेट्स का जो है प्रिंट आउट वह ले लिया जाएगा दोनों चीज़ें होने के बाद में। फिर है द कैंडिडेट्स विल हैव टू गिव द प्रिंट कमांड एंड आफ्टर गेटिंग प्रिंट आउट फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड स्प्रेडशीट दे विल ऑल्सो राइट देयर रोल नंबर नेम एग्जाम डेट एंड पुट देयर सिग्नेचर ऑन ईच पेज। तो यहाँ पर जो है प्रिंट कमांड देने के लिए कह रहा है, जब भी देंगे उसके बाद आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट का। उसके बाद दे विल ऑल्सो राइट, फिर उसमें आप लोग अपना जो है रोल नंबर नेम एग्जाम डेट और अपना जो सिग्नेचर है वह हर एक पेज में लिख सकते हैं, यह भी यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद अगला जो है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फेमिलराइज देमसेल्व विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 एंड अबव। तो यहाँ पे जो साफ साफ कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि वो 2007 वाला जो वर्जन है MS ऑफिस का या उससे ऊपर वाला जो है वर्जन MS ऑफिस का उसी के आधार पर आप लोगों को तैयार करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपने आप को रेडी रखना है। तो ये भी कहा जा रहा है, तो आप लोगों को जो है MS ऑफिस 2007 या उससे ऊपर वाला जो वर्जन है उसी को अभी आप लोग अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिए। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा टाइम हैव बीन अलॉटेड इन द सेकेंड शिफ्ट। तो जो सेकेंड शिफ्ट है उसके लिए जो है एक्स्ट्रा टाइम को बांट दे दिया जाएगा, यह भी यहाँ पर कहा जा रहा है। अब यहाँ पे जो है लास्ट नोट में क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड ऑफ दिस एग्जामिनेशन शुड रेफर द डिटेल गाइडलाइन इशूड बाई द रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस वेबसाइट। इसमें जो है वह डिटेल गाइडलाइन दिया गया है अपना जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर इस एग्जाम को लेकर के। तो यह बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा नोटिस है जो भी कैंडिडेट्स हैं CGL स्किल टेस्ट के जो देने वाले हैं उनके लिए यह बहुत ही अपडेट है, जानकारी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्किल टेस्ट और कॉमन ग्रेजुएट लेवल 2001 एग्जामिनेशन को लेकर के क्या क्या यहाँ पे बताया गया, किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है।